सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिसी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एंटी इमेटिक्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ऐसी दवाइयाँ, ऐसे ड्रग्स जो वॉमिटिंग के लिए काम आते हैं और इमेटिक की तरीके से यूज होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हम पहले ये जानेंगे कि इमेटिक मतलब क्या बोलते हैं, हमको वॉमिटिंग कैसे होती है, वॉमिटिंग का हमको रिफ्लेक्सिस कैसे आता है, कैसे वॉमिटिंग होती है, हम पहले ये जानेंगे। सो फर्स्ट ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, ये हमारा ब्रेन है। हमारे ब्रेन के अंदर जो वॉमिटिंग सेंटर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंट होता है हमारे मेड्यूला ओब्लोंगाटा में। ठीक है, मेड्यूला ओब्लोंगाटा में हमारा वॉमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है। अब मेड्यूला ओब्लोंगाटा में जो वॉमिटिंग सेंटर पे कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज मस्करेनिक रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज मस्करेनिक रिसेप्टर। मस्करेनिक रिसेप्टर हमारे मेडुला ओब्लोंगाटा में वॉमिटिंग सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब भी इस रिसेप्टर पे कोई भी केमिकल सब्सटेंस या कोई भी ड्रग आके एक्ट करेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इट कॉसेस वॉमिटिंग रिफ्लक्स। ओके, अब ये जो मेडुला ओब्लोंगाटा वॉमिटिंग सेंटर, इसमें अब हमारे मेडुला ओब्लोंगाटा में एक उसके थोड़े साइड पे एक कीमो ट्रिगर जोन प्रेजेंट होता है, सीटीजेड, जिसको हम बोलते हैं सीटीजेड। ठीक है, ये कीमो ट्रिगर जोन क्या करेगा, तो ये कीमो ट्रिगर जोन, इस पे क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता है, इस पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता है। अगर इस पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी ड्रग, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी केमिकल जब इस पे इसके रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा, ठीक है, मान लो कोई भी ड्रग है वो इधर आया, ठीक है, वो इधर आके इसके रिसेप्टर को स्टिम्युलेट किया, जैसे इसका रिसेप्टर स्टिम्युलेट होगा तो ये क्या करेगा, इसका रिफ्लक्सिस कहाँ भेजेगा, वॉमिटिंग सेंटर पे, और ये वॉमिटिंग सेंटर क्या करेगा, वॉमिटिंग रिफ्लक्सिस देगा, मतलब हमको ऐसा लगा कि हमको वॉमिटिंग हो रही है। ठीक है, अब ये कीमोट्रिगर्स उनको कौन कौन से जो सब्सटेंस होते हैं, लाइक साइटोटॉक्सिक एजेंट, साइटोटॉक्सिक जो ड्रग्स होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, कीमोट्रिगर्स उनको स्टिमुलेट करते हैं। अब साइटोटॉक्सिक एजेंट में सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा साइटोटॉक्सिक एजेंट, मतलब सबसे ज्यादा एंटी कैंसर ड्रग कौन सा है जो कीमो ट्रिगर जोन या उसको वॉमिटिंग जो रिफ्लेक्स होता है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इमेटोजेनिक एंटी कैंसर ड्रग इज दैट इज सिसप्लैटिन। ओके, सिसप्लैटिन ये प्लेटिनम डेरिवेटिव होता है, ये क्या करेगा, ये सबसे ज्यादा इमेटोजेनिक ड्रग है। ठीक है, मतलब कोई भी पेशेंट अगर सिसप्लैटिन लेता है तो विद इन 24 आवर्स उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये हुई हमारी इस कीमो ट्रिगर जोन की बात। अब हमको पता है, जैसे हमको मोशन सिकनेस होता है, मोशन सिकनेस के समय भी हमको वॉमिटिंग आती है। ठीक है, अब मोशन सिकनेस के समय वॉमिटिंग कैसे आती है, तो हमारे जो ईयर है, ये हमारा ईयर है और ये हमारा इनर ईयर, हमारे इनर ईयर में एक लेबिरिंथ, लेबिरिंथ नाम लेबिरिंथ हमारा एक प्रेजेंट होता है, एक बोनी स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है थ्रू वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व। ठीक है, ये किससे कनेक्ट होता है, थ्रू वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व। ये नर्व क्या करती है, ये मेडुला ओब्लोंगाटा को सिग्नल प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब जैसे कि हमको मोशन सिकनेस हुआ तो ये क्या करेगा लेबिरिंथ, और ये लेबिरिंथ क्या करेगा, थ्रू वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, इसके थ्रू ये क्या करेगा, सिग्नल पास करेगा, सिग्नल आके मेडुला ओब्लोंगाटा में क्या होगा, वो उसको स्टिमुलेट करेगा, उसके स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होगा, हमारा जो वॉमिटिंग सेंटर है वो स्टिमुलेट होगा, और वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होगा, हमको वॉमिटिंग रिफ्लक्स आएगा, हमको वॉमिटिंग होगी। ठीक है, अब जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हमारे पोन्स जो मेडुला के ऊपर वाला भाग होता है उधर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई उसमें कौन कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज H1 हिस्टामाइन 1 रिसेप्टर एंड सेकेंड इज मस्करेनिक रिसेप्टर। ओके, ऐसे ही कीमोट्रिगर जोन पे 5HT रिसेप्टर और D2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और वॉमिटिंग सेंटर पे मस्करेनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमने जाना कि वॉमिटिंग कैसे होती है, अब हम इसके ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि इसमें हम कौन कौन से ड्रग यूज कर सकते हैं टू ट्रीट इमेसिस और वॉमिटिंग। तो फर्स्ट दैट इज एसिटाइल कोलिन, मतलब मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, जो एसिटाइल, मैंने जो आपको बताया मस्करेनिक रिसेप्टर उसको ब्लॉक करे, तो ठीक है, तो ऐसे ड्रग कौन से होते हैं, तो दैट इज हायोसिन, डायसाइक्लोमाइन। ओके, ये जो ड्रग्स है ये यूज होते हैं
एज अ इमेटिक। ओके, अब ये जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हायोसिन, हायोसिन क्या है? हायोसिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेस। हायोसिन क्या होता है? हायोसिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेस। ओके, और ये डाइसाइक्लोएमाइन, और इसके साथ एक हम कॉम्बिनेशन देते हैं जो कि हम हाँ यूज करते इन मॉर्निंग सिकनेस, इन प्रेगनेंसी में। आपको डाइसाइक्लोएमाइन प्लस डॉक्सीलेमाइन एंड पायरिडॉक्सिन का हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ओके, अब दूसरा हम इसमें क्लास देखेंगे, दैट इज H1 एंटागोनिस्ट। H1 एंटागोनिस्ट में ड्रग इसके अंदर इंक्लूड होगा, दैट इज प्रोमिथाजिन। प्रोमिथाजिन, अब प्रोमिथाजिन क्या? प्रोमिथाजिन को हम ऐसे इन मोशन सिकनेस में हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? प्रोमिथाजिन को मोशन सिकनेस में यूज करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, H1 एंटागोनिस्ट में एक हम इन मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस एक कंडीशन है जो प्रेगनेंसी में होती है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस में हम देंगे पेशेंट को डॉक्सिलेमाइन प्लस विटामिन B6, जिसका दूसरा नाम है पैरिडॉक्सिन। पायरी डॉक्सिन, ओके, ये हम देंगे इन मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है? ये खाएंगे होते हैं मॉर्निंग सिकनेस कब होती है? इन प्रेगनेंसी एंड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस होती है, ठीक है? थर्ड क्लास की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो दैट इज 5-HT3 एंटागोनिस्ट। 5-HT3 एंटागोनिस्ट, सो द ड्रग्स विच आर इंक्लूड इन 5-HT3 एंटागोनिस्ट आर ऑनडेंसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन, प्रोपिसेट्रॉन, डोलासेट्रॉन, पेलेनोसेट्रॉन। ओके, दीज आर द ड्रग्स विच आर इंक्लूड इन 5-HT3 एंटागोनिस्ट। अब ये जो ड्रग्स होते हैं ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, क्यों? बिकॉज दे दिस ड्रग्स आर ड्रग ऑफ चॉइस इन कीमोथेरापी इंड्यूस वॉमिटिंग। अगर कोई पेशेंट है कैंसर का, अगर वो कीमोथेरापी ले रहा है, ठीक है, अगर वो कीमोथेरापी के समय उसको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, मतलब। सेकेंड, दिस ड्रग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेडियोथेरापी इंड्यूस वॉमिटिंग इन, या कोई क्या बोलते हैं, अपने किसी कैंसर पेशेंट को अगर अपने रेडियोथेरापी दे रहे, ड्यूरिंग रेडियोथेरापी उसको वॉमिटिंग वॉमिटिंग होती हो, तो उसमें भी हम ये ड्रग ड्रग ऑफ चॉइस होती है। देन इट इज ऑल्सो यूज इन पोस्ट ऑपरेटिव इंड्यूस वॉमिटिंग। ओके, पोस्ट ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के ड्यूरिंग और उसके ऑपरेशन के बाद। ओके, अब इसमें चौथा क्लास आएगा हमारा, दैट इज सब्सटेंस पी एंटागोनिस्ट। सब्सटेंस पी एंटागोनिस्ट, ओके, सब्सटेंस पी एंटागोनिस्ट, और इसको हम दूसरा बोलते हैं न्यूरोकाइनिन एंटागोनिस्ट, ठीक है? इसके अंदर जो ड्रग्स इंक्लूड होते हैं दैट आर एंडिंग विद पिटेंट, दैट आर एंडिंग विद पिटेंट। उसके एग्जाम्पल देर इज एप्रीपिटेंट, फोसा प्रीपिटेंट, रोला प्रीटेंट, नेटू पिटेंट। ओके, अब ये ड्रग्स हम कहाँ यूज करेंगे? तो दिस ड्रग्स वी आर यूज इन डीले वॉमिटिंग, इन डीले वॉमिटिंग। ओके, ये ड्रग हम कहाँ यूज करेंगे? तो दिस ड्रग्स आर यूज इन डीले वॉमिटिंग, मतलब कोई पेशेंट है, ठीक है, जिसको डीले मतलब थोड़ा लेट वॉमिटिंग हो रहा है, ठीक है, उसमें हम इस ड्रग को यूज करेंगे। अब हमारा जो लास्ट क्लास बचता है इन एंटीमेटिक, दैट इज D2 एंटागोनिस्ट, दैट इज D2 एंटागोनिस्ट।
डी टू एंटागोनिस्ट, डी टू एंटागोनिस्ट में हमारे दो ड्रग इंक्लूड होते हैं, दैट इज मेटोक्लो प्रोपामाइड एंड सेकेंड वन इज डोमपेरिडोन। अब मेटोक्लोप्रोपामाइड क्या है? ये एंटीमेटिक ड्रग है, डी टू एंटागोनिस्ट। अब इसका फंक्शन क्या है? ठीक है, इसका मेन जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या होता है? तो पहले तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, इट क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। लेकिन डोमपेरिडोन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, इट डस नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। डोमपेरिडोन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन मेटोक्लोप्रोपामाइड ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। डोमपेरिडोन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन लिवोडोपा इंड्यूस वॉमिटिंग। डोमपेरिडोन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन लिवोडोपा इंड्यूस वॉमिटिंग। मेटोक्लोप्रोपामाइड का एक और ऐसा फंक्शन है दैट इज 5-HT3 एंटागोनिस्ट एंड इट इज अ 5-HT4 रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये इसका एक एक फंक्शन है, ठीक है। इसमें काफी बार एमसीक्यू पूछा गया है, ठीक है। ये तो हमारे एंटीमेटिक ड्रग्स। अब हम देखेंगे इसके अंदर के वेरियस ड्रग ऑफ चॉइस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर व्हाट वी कैन से फॉर आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो पहला, कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग। अब कोई पेशेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी पेशेंट को अगर कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग हो तो उसके लिए हम कौन सा ड्रग देंगे? सो दैट इज 5-HT3 एंटागोनिस्ट। 5-HT3 एंटागोनिस्ट में कौन कौन से ड्रग, लाइक ऑन्डेंसेट्रोन, पैलेनोसेट्रोन, ठीक है, ये सारे ड्रग्स हम उसको देंगे इन लिवोडोपा इंड्यूस वॉमिटिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया, लिवोडोपा इंड्यूस वॉमिटिंग के लिए कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होता है, तो दैट इज डोमपेरिडोन। इन माइग्रेन, अगर कोई पेशेंट है जिसको माइग्रेन है और उसको वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग रिफ्लक्सिस आ रहे, तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है मेटोक्लोप्रोपामाइड। सेम अगर कोई ड्रग और कोई डिजीज एसोसिएट वॉमिटिंग हो तो उसके लिए भी ड्रग ऑफ चॉइस इज मेटोक्लोप्रोपामाइड। इन पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग, इन पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग जैसे मैंने आपको बताया, ड्रग ऑफ चॉइस इज ऑन्डेंसेट्रोन। एंड इन रेडिएशन इंड्यूस थेरेपी ऑल्सो द ड्रग ऑफ चॉइस इज ऑन्डेंसेट्रोन। इन सिसप्लेटिन इंड्यूस वॉमिटिंग, अब कोई पेशेंट है जिसने सिसप्लेटिन लिया है, सिसप्लेटिनिज्म मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, दैट इज सिसप्लेटिन सबसे इमेटोजेनिक एंटी कैंसर ड्रग है। अब कोई पेशेंट सिसप्लेटिन ले रहा है, उसको अगर अर्ली वॉमिट, अगर लेस देन 24 आवर्स में अगर उसको वॉमिटिंग होती है, अर्ली वॉमिटिंग, तो उसके लिए हम उसको ड्रग देंगे 5-HT3 एंटागोनिस्ट, दैट इज ऑन्डेंसेट्रोन। और कोई पेशेंट है जिसको डिले वॉमिटिंग हो रही है, मतलब आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है, आफ्टर 24 आवर्स उसको अगर वॉमिटिंग हो रही है, तो उसको हम सब्सटेंस पे एंटागोनिस्ट देंगे, दैट इज पिपेंट ड्रग्स। एप्रिपिटेंट। जैसे मैं आपको बताया, सब्सटेंस पे एंटागोनिस्ट हम इसको देंगे, ठीक है। इन प्रोफाइल एक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस, जैसे मैंने आपको बताया, इन प्रोफाइल एक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस, कभी किसी को मोशन सिकनेस हुई तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, दैट इज हायोसिन, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, हायोसिन हम उसको देते हैं। अब इन मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस मीन्स इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस के लिए मैंने आपको क्या बताया, ड्रग ऑफ चॉइस, तो दैट इज डॉक्सिलेमाइन एंड विटामिन B6 और पैरिडॉक्सिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। इसमें से काफी बार एमसीक्यू पूछते हैं। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, देन प्लीज लाइक लाइक माई चैनल, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।